शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे, इनके जन्मदिन पर अनाज किट का वितरण नागपुर के भरतवाड़ा परिसर में किया गया। इस मौके पर मनसे के नेता हेमंत गडकरी और पवन साहू के हाथों अनाज किट का वितरण परिसर के जरूरतमंदों को किया गया, जिसका लाभ दिव्यांग और नागरिकों ने उठाया। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना सुप्रीमो राज ठाकरे, इनके जन्मदिन के अवसर पर राज्य के कई शहरों में बेसहारा गरीब जरूरतमंदों को अनाज किट का वितरण किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नागपुर के भरतवाड़ा परिसर में मनसे के नेता हेमंत गडकरी और नागपुर के पदाधिकारी पवन साहू, इन्होंने जरूरतमंद को अनाज किट का वितरण किया। इस बारे में हेमंत गडकरी और पवन साहू ने जानकारी दी। हेमंत जी, ये बताए कि जिस तरह से आज राज साहब ठाकरे का जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन के अवसर पर शहर भर में जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? सभी को मालूम है कि आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। हमारे सभी महाराष्ट्र सैनिक जो है, इनके लिए आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष सर्वे सर्वा, हमारे पार्टी की पहचान आदरणीय राज साहब ठाकरे जी का जन्मदिन है। और ये जन्मदिन इस कोरोना के वातावरण में भी हमारे राज ठाकरे साहब ने ये बताया है कि कहाँ पे भी मेरे होर्डिंग नहीं लगना चाहिए, और अगर आपको कुछ कार्यक्रम करना है तो वो जनहित के कार्यक्रम करें, और ख़ास करके कोरोना जो ये बीमारी फैली हुई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जनहितार्थ कार्यक्रम कीजिए। और उसी प्रकार से आज सुबह से समूचे नागपुर शहर में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम जनहित के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनानी के लिए, खास करके उसमें हमने वृक्ष वाटप किया है, क्योंकि अभी पानी के दिन शुरू हुए हैं। और उसके बाद अब हमने मेयो हॉस्पिटल, जहाँ पे कोविड के रुग्ण बहुत सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे पीपीई किट डॉक्टर और आरोग्य स्टाफ के सुरक्षा हेतु हमने वहाँ पे पीपीई किट दी है। इसके साथ ही हमने कुछ कोविड योद्धा जो अपनी जान की बाजी लगाकर इस संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हमने कोविड योद्धा का एक सम्मान चिन्ह देकर आज उनका सत्कार भी किया है। और हमारे पवन साहू, जिनको इस परिसर के लोग गरीबों का लाडला भी कहते हैं, तो ये पवन साहू जिस दिन से कोरोना की बीमारी का संक्रमण शुरू हुआ, उसी दिन से समूचे सर्वसामान्य परिवार के सदस्यों को जो खाने की चीज़ें हैं, भोजन की चीज़ें हैं, या और जो कुछ आवश्यक सामग्री है, वो देने का सिलसिला उनका बरकरार है। उसी प्रकार से हमारे विद्यार्थी सेना के दिनेश इलमी जी यहाँ पे हैं, हमारे पिंटू जी हैं, मैं हमारे शहर अध्यक्ष विशाल बाबू बड़गे जी हैं, हमारे श्यामपुरी अली जी हैं, ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पे जो उपस्थित है, ये और इसके अलावा नागपुर शहर के सभी कार्यकर्ता अपनी तरफ से जो कुछ देना, उनके तहे दिल से देना चाहते हैं वो दे रहे हैं। और आदरणीय राज साहब को जो उन्होंने समाज सेवा की व्याख्या हमको सिखाई है, उसके अनुरूप हमारा कार्य चल रहा है। और आज यहाँ पे पवन साहू जी ने भी ये वाटप का कार्यक्रम रखा है। इसमें शरीक होने के बावजूद हम बाजू में एक रक्तदान शिविर है, हमारे उपाध्यक्ष ने रखा, वहाँ पर भी जा रहे हैं। कुछ जगह पर हमने होम्योपैथी की दवाई भी बांटी है, और ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज नागपुर में कर अपने लाडले नेता का जन्मदिन कैसा किया जाता है, एक समूचे नागपुर के सामने उदाहरण रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे सभी महाराष्ट्र सैनिकों को जो बधाई के ये है, उनको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, और समूचे नागपुर वासियों की तरफ से आदरणीय राज साहब को लंबी उम्र मिले और उनके माध्यम से महाराष्ट्र का कल्याण हो, उनके माध्यम से इस महाराष्ट्र के उपराध्यायी का कल्याण हो, यही ऐसी ही भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ। सर, ये बताइए कि आज राज साहब ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर क्या सामाजिक कार्य करने जा रहे हो? मैं गोर गरीब लोगों को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर, राज साहब ठाकरे जी के जन्मदिन के अवसर पर, जो भी राशन किटें बांट रहा हूँ, जिसमें से 10-12 आइटम हैं,
जो मेरी तरफ से जो भी मदद बन रही है गोर गरीब लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। अब तक के कितने लोगों तक आपने ये सुविधा? जब से लॉकडाउन लगा है 2.5 महीने से मैं लगभग कंटिन्यू कर ही रहा हूं। 22 मार्च से मेरा अभी तक 3-4 हज़ार घरों को मदद पहुँचाया गया है। अगर शहर के गरीबों का भला होता है या उनका जीवन संवर्धन होता है तो सिर्फ मन से ही नहीं तो कोई भी पार्टी के प्रमुख का जन्मदिन इसी तरह से मनाना चाहिए। मनसे द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। भरतवाड़ा से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मिरे, NBCN न्यूज नागपुर।